सो अंडरस्टैंड दिस, मेरे बारे में जो भी लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोगों ने उनको बोला है कि ऐसा सच है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सच क्या है, और हाँ जहाँ मेरी गलती होगी ना वो मैं बताऊँगा। परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करेंगे। फर्स्ट ट्राई पार्ट सम। After being thick as thieves for 2 years, TV actor Parth Samthan and producer and programming head of a Hindi general entertainment channel Vikas Gupta have had a nasty fallout. Parth sent Vikas a notice earlier this month accusing him of molestation, non-payment of dues for working on his show and constant threats of ruining his career. He also मैंने कभी किसी को गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं करी, उस समय भी मैंने बस ये बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ये बात आई गई, स्कैंडल बन गया। पर लोगों क्या है उनके हिसाब से, तो प्रोड्यूसर होगा ना, तो प्रोड्यूसर उसका पैसा होगा वही गलत है, और जो हीरो है बड़ा गुड लुकिंग सीधा साधा है तो उसने कुछ किया ही नहीं होगा। पर क्या है ना कि यही है दुनिया। और 3 साल के बाद जब पार्थ ने मुझे कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, और मैं उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर एक इंसान के साथ हेट्रेड ख़त्म होती है तो होने दो। लेकिन जब मैंने ये कदम उठाया तो मालूम है क्या हुआ, जो गिने चुने 2-3 लोग थे मेरी ज़िंदगी में, उन्हें बड़ा बुरा लगा इस बात का कि माफ़ कैसे कर दिया, हमने तेरे साथ देके बड़ी गलती करी है। क्या करूँ मैं, गलती हो गई, मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था, पर हो गया वो। तो अब क्या है ना कि आर्ट्स ने कभी ये क्लियरली आके बोला ही नहीं कि भाई विकास बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई मोलेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं करी थी। वो प्रॉब्लम है क्योंकि उसने ये बात नहीं बोली अभी तक। केसेस तो किसी हालत में होने नहीं थे क्योंकि सब झूठे थे। तो आज भी ये जो बच्चा था, इसने ये जो वीडियो बनाया है उसमें डाला है, ऐसे बहुत सारे नाम कमाने के लिए दूसरों को बदनाम करने के करवाने वाले लोग भी बहुत डालते हैं। तो पार्थ समथान, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और आज शाम को लाइव में क्लियरली बताओ कि क्या हुआ था, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा, एक चीज़ नहीं सब चीज़ बताऊँगा। इसलिए अब मैं सही और गलत सही तरीके से बताऊँगा। मैंने आपको 1 हफ्ते पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी कि ये लोग बहुत गंदे गंदे वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ आप हेल्प करो, सच बोलो, उससे बात कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपको इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है ना, आपको तो उन लोगों का साथ देना है जो ये लोग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि आप सच का साथ दो, क्योंकि अगर आप नहीं आकर क्लियरली बताओगे कि क्या हुआ था, मैं बेकसूर हूँ या मैंने किया था या नहीं किया था कुछ भी ऐसा, तो फिर मैं बताऊँगा। और आपको मालूम है बहुत सालों से मेरे पास सबूत थे लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे किसी को दुख पहुंचाने का अंदाज़ा ही नहीं है। आंटी को प्रॉमिस किया था मैंने, दूसरों को दुख पहुंचा के मज़े करने वाले को सेडिस्ट बोलते हैं, मालूम है आपको। अब ये जो वीडियोस किया लोगों ने उसमें डाल रहे हैं गौरी ने ये बोला, गौरी ने ये बोला, पर किसी ने ये बताया कि गौरी ने उसके बाद क्लियर किया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर 3 साल के बाद पार्थ सॉरी बोल के वापस आ रहा है और मेरे साथ घूम रहा है, रेस्टोरेंट्स में है, काम कर रहा है, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना क्या हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ज़बरदस्ती वापस बुलाकर यहाँ पर ये सब कराया जाए, जी नहीं। इतना पावरफुल इंसान अगर नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता आज आप लोगों के सामने। हाँ ऐसे ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी को भी इस तरीके से इतना बेइज्जत करना, इतना दुख पहुँचाना, इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाना बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत। तो बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए हो, चाहे मज़े लेने के लिए हो, चाहे बात चक्कारा बनाने के लिए, बस बुरा दिखाना है ना एक इंसान को। दिखाइए, आज सच हो जाएगा शाम को।